चुनाव लड़ने की इच्छा जैसी हमको खबर मिला। हम गोरखपुर अपना व्यवसाय करके अच्छे से सुकुशल जी रहे थे, यहाँ हम बहुत कम आते काफी साल वहाँ रहे। योगी जी का शुरुआत हम गोरखपुर में अच्छा खासा सेटल्ड हो गए, वहाँ हमारा अच्छा खासा व्यवहार बिजनेस पार्टनर व्यवस्थाएं अब सबको पता है। लेकिन चुनाव में जब हम आए तो मुझे लगा कि चुनाव जीत जाएगी मेरी माँ, चाहे जो भी रिजल्ट आएगा उनको लगेगा ना मेरा बेटा आया, मेरे लिए खड़ा हुआ, मेरे सपनों के लिए खड़ा हुआ। तो किसी कारणवश रिजर्व हो गया, वो जनता को मालूम है। ये मेरे दोस्त है मदन गुप्ता, मेरे साथ रहते थे, हमको कभी नहीं हुआ, वो हम भी नहीं जानते थे, हमारा 12 साल का दोस्ती था कि वो गुप्ता जी हैं। तो हम लोग सोचे कि भाई चुनाव गया रिजर्वेशन में, आगे के प्लान किया जाए, गोरखपुर चला जाए। तो जब लगा तब पता चला था हमको यार घर में नहीं कहता है, घर में सारी व्यवस्थाएं हैं, एक बहन है, मौका दिया जाए, मेहनत किए हैं, उसका रिजल्ट देखा जाएगा। जनता के आशीर्वाद से मेरी बहन संदीप गुप्ता, एक हमें बेस्ट समाज के साथ संबंध भी जोड़ना था, भाई बहन का रिश्ता, कि भाई समाज में एक अच्छा मैसेज आए। जैसे सिवान में हमने MY समीकरण देखा था, ये सत्य है, ये MY समीकरण सिवान में हमने जब पढ़ते थे तो देखे थे कि MY समीकरण है 90 के दशक में। जब हम पढ़ने के बाद जब हम आए राजनीति में, मैंने यहाँ आए सिवान चुनाव लड़ने, तो हमारा अच्छा मौसम बना कि हम बेस्ट प्लस यादव का समीकरण तैयार किए। आज मेरी बहन इतिहास रच दी, एक साल में जो आज तक 35 साल में नहीं हुआ, 35 साल में उसने एक साल में करके दिखाया। मैं गर्व से कहता हूं कि सिंपी गुप्ता मेरी बहन है, और मैं और उन दोनों, हम दोनों के, उनके हस्बैंड और मेरे टोटल सर्किल के लोग के नेतृत्व में नगर परिषद में ऐसा काम हुआ कि कुछ लोगों के जुबान से विरोध निकलने लगा, कुछ लोग विधानसभा में क्वेश्चन कर दिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह के जनता के बीच ये जताना चाहता हूं कि आप लोग देखिए कि बिना पद पे रहे एक अपनी बहन को, वैश्य समाज की बहन को मदद करके आज कुर्सी पे बैठ सदन में जा गई, और जब सदन में जाके वो जो काम की, कहीं ना कहीं हमारा उनका नेतृत्व रहा नगर परिषद में। तो हम दोनों ने मिलके जब बिना पद के रहे नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया, तो कहीं ना कहीं एक मौका जनता दे। आपको क्या लग रहा है कि फिर से वही गठबंधन, जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, वैश्य और यादव गठबंधन? वो तो गठबंधन हो चुका है, वो हो चुका है, वैश्य और यादव का गठबंधन। 25 को रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, सिवान को मजबूत करने का सपना है, और जब सिवान मजबूत होगा तभी देश। काफी लंबे काफिले के साथ चले हैं? नहीं, काफिला नहीं है, सब मेरे भाई बंधु है, सब प्यार है, जो गले में काफिला नहीं, भाड़े पे लोग बुलाते हैं आदमी, ये जीवन यादव जी भाई है। जीवन यादव जी, एक सवाल आपसे, जैसे देखा जाए सिवान में दो बड़े धार्मिक स्थल है, महेंद्रनाथ धाम और सुहागरा धाम, लेकिन महेंद्रनाथ धाम काफी प्रसिद्ध है और काफी डेवलप है, लेकिन सुहागरा धाम, क्या आप चुनाव जीतते हैं तो सुहागरा धाम को डेवलप कीजिएगा यहाँ के लोगों को? मतलब हम सनातन धर्म से हैं जी, सब कोई जानता है कि मैं हिंदू धर्म से हूँ जी, मेरी जाति हिंदू है। अगर जहाँ जहाँ मंदिर है, मैंने वहाँ जितने लोग आए उन्होंने कहा कि मंदिर है चाहे अष्टजान है चाहे आजकल ये यज्ञ हो रहा है, मैं हर जगह जाता हूँ, जितना हो सके बन पड़े करता हूँ। अगर मैं जीतता हूँ, यहाँ की जो भी सुहागरा धाम की समस्याएं हैं, हाँ, यहाँ के लोग हमें बताएंगे, उस समस्या का निदान करने का काम करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, अब जान लीजिए, मैं अभी मुद्दे पे आ रहा हूँ, नगर परिषद की तरह अगर मुझे मौका मिलता है तो सिवान को, जो मैंने यहाँ मैं सुहागरा मंदिर में खड़ा होकर संकल्प लेता हूँ, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो सिवान जिले को 14 एक स्टेडियम है 13 और देने का काम करूंगा। विश्वविद्यालय देने का काम करूंगा, और अभी आज रास्ते में देखे हैं, हाँ, कई बीघा 50 बीघा जल गया, लोगों का घर जल गया, मड़ई का कोई कुछ नहीं मिलता है, अग्नि से मन के जल आते ही सब जल के राख हो जाता है, एक मुआवजा भी नहीं मिलता है। वीडियो से पूछिए तो पता चलता है अग्नि की मुआवजा मिलेगा पर कम मिलेगा, ये तो भगवान जानते हैं ना, किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि उन गरीबों का जिनका घर जलता है, जिनका खेत जलता है, उनकी पहुंच वीडियो CEO के ऊपर नहीं है। लेकिन उन नेताओं के पास जाके वो दौड़ने से अच्छा घर में बैठना महसूस करते हैं कि दौड़ते दौड़ते जो बचा है वो भी चला जाएगा। तो हम ये वादा करते हैं कि अग्निशमन की 14 ब्लॉक में 14 गाड़ी प्लस 2 उसके साथ डमी, जो 400 लीटर पानी से, बताइए छोटी गाड़ी से क्या आग बुझेगा, उसके बड़ी गाड़ी के साथ 2 डमी होना चाहिए छोटा, ये देने का काम करूंगा। कल मैं छठ घाट गया,
दुर्भाग्य है मेरा, मेरा दुर्भाग्य और किसी का नहीं। मैंने अपने मैनिफेस्टो में नगर परिषद में लिखा था संधि नदी का सौंदर्य कर राम बाढ़ गंगा दहा नदी है वो बाढ़ गंगा नदी राम जी के बाढ़ से निकला है उसीलिए राम बाढ़ कहा जाता है। तो उस नदी के करीब मैं जब गया ना तो मुझे लगा कि मैं अपने वादे से चाहे अपने संकल्प से अपने जो मानसिकता से लोगों को लगा होगा कि मैं नहीं पूरा कर पाया, लेकिन मैं वहां बताने का काम किया लोगों से कि नगर परिषद में वो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसा फंड नहीं है जिससे नदी का सौंदर्यीकरण हो सके। लेकिन मैं अगर सदन जाता हूँ दिल्ली जाता हूँ तो जाहिर सी बात है कि नदी का सौंदर्यीकरण होगा। सिवान के पूरे क्षेत्र जो भी पड़ता है नदी का क्षेत्र वो सौंदर्यीकरण में जाएगा और उसमें बोटिंग की व्यवस्था होगी। योगी जी के आशीर्वाद की बात कर रहे थे आपकी, जब मैं आदित्यनाथ जोगी का काम पसंद है, जोगी जी की विचारधारा पसंद है, इसीलिए मैं आदित्यनाथ जोगी की तरह हमेशा करता हूँ कि सिवान में काम। बिहार में, बिहार में जो बॉडी में भैया जिंदाबाद, काम करने का तरीका मेरा सोच थोड़ा सा वैसा ही है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। जीवन जी जो गले में माला पहनाई गई है भगवान शिव के लिंग से उतार कर, तो क्या माला जी जीत की माला पहना दी गई है? ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है, अब तो भगवान भोलेनाथ की मन की बात जनता जानती है। जीवन यादव जी यहाँ पे जितने भी भीड़ मौजूद है ये जीवन भक्त है या फिर शिव भक्त है, क्या कहिएगा? शिव भक्त है, हम भी सब शिव भक्त हैं। यहाँ पे चार धोती कुर्ता का युग नहीं जाएगा, ये तो धोती कुर्ता वाले जाने, हम नहीं।